हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है शहनशाह और आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में बताया गया है कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ होगा और कैसे आप एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट तैयार कर सकते हो। तो गाइज, कुछ भी मिस मत करना, वीडियो को फुल देखो तभी आपको समझ आएगा। तो लेट्स गो गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने गाइज ये स्केच पहले ड्रा कर रखा है और कैसे हमने इसमें रियलिटी लेकर आनी है आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद ब्लेंडिंग स्नब और हाईलाइट करने के लिए टम्बोमोनो जीरो रेजर, और कोई भी आपको मटेरियल चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं टम्बोमोनो जीरो रेजर का यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे से हो रहा है। मैं यहाँ पर डार्कनेस डाल रहा हूँ ताकि हाईलाइट और ज़्यादा अच्छा लगे। तो इसके बाद हम ब्लेंडिंग स्टाम्प यहाँ पे यूज़ करना ज़रूरी है ताकि मिक्स हो सके। ये देखिए, हम आईब्रोज, आईज, ये सभी जो डार्कनेस एरियाज हैं ये चारकोल के साथ ड्रा करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। इसके साथ हम स्टेलर की यूज़ कर रहे हैं पर्सन और ब्लेंडिंग स्टाम्प। इसको हाईलाइट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको पता चलता रहे, नहीं तो वीडियो मिस हो जाएगी। ब्लेंडिंग स्टम्प बहुत ही यूज़फुल है और बिगिनर्स इसे ज़रूर खरीदें क्योंकि ये काफ़ी अच्छे चलते हैं और ये महंगे नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये में मिल जाते हैं। देखना ये ब्लेंडिंग स्टम्प, देखो कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फेस पे स्टडल के पेंसिल यूज़ किए हैं 2V 6V। अभी हम बियर्ड में चारकोल का यूज़ करेंगे। ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट में तो चारकोल का यूज़ होना ही है, बियर्ड में हो गया, हेयर्स में हो गया, इसका यूज़ तो होना ही है। और एक बात बता दूं, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो इसे प्रिज्मा कलर की ही चारकोल खरीदें, वो किसी भी कंपनी की चारकोल पेंसिल खरीद सकते हैं। और पहले आप ना किसी नॉर्मल कंपनी की यूज़ करना ताकि आपको ज़्यादा आपका ज़्यादा खर्चा ना हो, और आप जब इसे चलाना सीख जाएंगे तो बाद में किसी बढ़िया कंपनी की खरीद लेना, क्योंकि नॉर्मल ये चलती तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता ही है। वैसे कैमलिन की होती हैं जो, वो सस्ती भी होती हैं इससे, मतलब चलती ऐसी ही हैं तो सस्ती होती हैं ना, बिजनेस के लिए वो अच्छी हैं। ऐसा ना हो कि आप इसे ख़रीद लें तो आपको चलानी ना आए ना, तो ये अच्छा नहीं होगा। जब आप ऐसे हेयर्स बनाते हो तो पेंसिल को शार्प करना बहुत ज़रूरी है। ये आप जानना चाहो तो कि मैं किसका पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, ये हैं हमारे पंजाब के मशहूर हैं जी, इनका नाम है सतनाम खट्टड़ा और ये सबसे बड़े बाइसेप्स वाले माने जाते हैं हमारे पंजाब में। आप YouTube पे इनके बारे में सर्च कर सकते हैं और आपको काफ़ी डिटेल इनके बारे में पता चलेगी। और अभी हमारे स्केच में देखो कि अगर साइज़ ज़्यादा हो तो ब्लेंडिंग स्टम्प्स के बाद हम क्लॉथ का यूज़ भी कर सकते हैं, इससे बड़ी अच्छी तरह से ब्लेंड होता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड हुआ है इसके साथ। तो ये कुछ टैटूस बनाए हुए थे इन्होंने जो हम भी बनाएंगे, तो ये अच्छे लग रहे हैं। हमने यहाँ पे 4B स्टेडल के यूज़ किया है, यहाँ पे हम 4B और ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहे हैं स्टेडलर की। ये हमने फ्लूड का यूज़ किया है, इसकी जगह पे आप वाइट पेन का यूज़ कर सकते हो, तो मुझे ये बेटर लगा तो मैंने ये यूज़ किया। तो देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने मेरी वीडियो को देखा, होप यू विल लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। टेक केयर।